Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. Welcome to a new video. In today's video, we are going to discuss about a suggested timetable. I am going to suggest you a timetable for your CA Foundation preparation as a senior or as your friend. So, let's start today's video. If you are new to this channel, please subscribe to this channel and give this video a like if you liked this video. And also, please feel free to give your feedback or suggestion in the comment section so that I can know where are the fields where I can improve and what are your requirements. What videos should I make to improve my videos, and also can I am able to help you. So, let's start. So, this is a timetable that is prepared by me. ये जो टाइम टेबल है ये मेरे तरीके से प्रिपेयर किया गया है और मैं दो टाइप का पर्सन इमेजिन करके ये टाइम टेबल को क्रिएट किया हूँ. देर आर टू टाइप्स ऑफ पर्सन, वन इज मॉर्निंग पर्सन एंड अदर इज नाइट पर्सन. एक है जो मॉर्निंग में उठने के लिए बहुत अच्छे है और एक तरीके का पर्सन है जो कि नाइट टाइम में पढ़ने के लिए बहुत अच्छे हैं. इसीलिए मेरा फर्स्ट टाइम टेबल है मॉर्निंग पर्सन के लिए. एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड एज अ डिस्क्लेमर, दिस इज अ सजेशन वीडियो. ये वीडियो एक सजेशन के तरीके से लेना, ये मेरे तरफ से एक सजेशन के जैसा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर अ मॉर्निंग पर्सन दिस इज द टाइम टेबल और रूटीन. So 5 a.m. you need to wake up if you are a morning person. Then from 5:20 to 5:30 you will need to calm yourself and also you need to meditate to start your studies. So 5:20 to 5:30 meditate. Then 5:30 to 8:30 you need to study your paper 1, that is the accounts. As you all know, आप सबको पता है, accounts is the most important subject for CA students. CA foundation में भी accounts एक बहुत अच्छा marks score करने का subject है और बहुत important भी है. इसीलिए first paper 1 should be studied. Paper 1 पहले कर लेने से tension भी नहीं रहता है और एक सुकून भी मिल जाता है. इसीलिए paper 1 3 hours. Then from 8:30 to 9 a.m. breakfast, and also it is the time to freshen up. Then from 9 a.m. to 9:20 there you should take a 20 minutes power nap. 20 minutes ka power nap le lena taki aapka energy restore ho jaye aur aap bahut acche tarike se aapka next jo study session hai use complete kar pao. Then from 9:30 to 10:30 paper 2 ka study. अगर आप मेरे जैसे हो जो कि जो थियोरी सब्जेक्ट्स है उसे पढ़ने के वक्त बहुत टायर्ड फील करता है या फिर बहुत बोर हो जाता है, आपके लिए ये जो टाइम टेबल है ये बहुत फायदेमंद रहेगा. पेपर टू एक घंटे के लिए पढ़ लेना, लॉ पढ़ लेना एक घंटे के लिए. देन 10:30 टू 11 हाफ एन आवर के लिए मैथमेटिक्स कर लेना. पेपर थ्री का स्टडी कर लेना ताकि आपका मैथ्स प्रैक्टिस हो जाए और आपका जो बोर्डम है वो भी चला जाए. फ्रॉम 11 टू 12 अगेन लॉ पढ़ लेना एक घंटे के लिए, फिर से लॉ का सेशन एक हो जाएगा और आपका सिलेबस भी थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएगा. देन फ्रॉम 12 टू 12:30 पेपर 3, दैट इज द मैथमेटिक्स. एक घंटे लॉ पढ़ने के बाद हाफ एन आवर फिर से मैथ्स कर लेना ताकि आपका बोर्डम खत्म हो जाए और आपका जो पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट है, जो पढ़ाई के टेबल में या फिर बुक्स के पास बैठने के लिए जो इंटरेस्ट है वो बना रहे. फ्रॉम 12:30 टू 1:30 यू नीड टू फ्रेशन अप, दैट इज यू नीड टू हैव अ बाथ एंड ऑल्सो हैव योर लंच. देन फ्रॉम 1:30 टू 3:30 इफ यू विश यू कैन हैव योर सोशल मीडिया टाइम. अगर आपको सोशल मीडिया टाइम चाहिए होगा तो 2 आवर्स का 1:30 टू 3:30 उसके लिए रख लेना
ताकि आप फोन के लिए या फिर सोशल मीडिया के लिए आप टाइम निकल पाओ। फ्रॉम 3:30 to 3:50 20 मिनट्स का अगेन पावर नैप ले लेना। अगर 20 मिनट्स का पावर नैप हो जाए आप फ्रेश फील करोगे और अगला जो स्टडी सेशन है उसके लिए भी आप फ्रेश फील करोगे। फ्रॉम 4 PM to 5 PM अगेन एक घंटे के लिए बिजनेस लॉज पढ़ लेना, पेपर टू का स्टडी कर लेना। यू नीड टू स्टडी पेपर टू फॉर वन मोर आवर सो दैट योर पेपर टू सेशन फॉर द डे इज कंप्लीट। देन फ्रॉम 5 PM to 6 PM पेपर थ्री दैट इज मैथमेटिक्स, एक घंटे के लिए मैथमेटिक्स भी पढ़ लेना, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस कर लेना। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करने के पढ़ने का मतलब है मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस करना। हर एक मैथ्स का सम प्रैक्टिस करना जरूरी है ताकि आप एग्जाम हॉल में उसे याद कर सको या फिर उसे रिकॉल कर सको अगर पेपर में वो क्वेश्चन आ जाए। फ्रॉम 6 PM to 7 PM यू नीड टू हैव योर इवनिंग टी एंड स्नैक्स। इवनिंग टी या फिर स्नैक्स का टाइम एक घंटे के लिए 6 PM to 7 PM। उसके बाद स्नैक्स, इवनिंग स्नैक्स या फिर इवनिंग टी के बाद 20 मिनट्स का अगेन पावर नैप। पावर नैप लेने से आपका जो एनर्जी है वो रिस्टोर हो जाएगा और आपका नेक्स्ट जो स्टडी सेशन है उसे भी आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। 20 मिनट्स का पावर नैप के बाद 7:30 से 8:30 पेपर थ्री एक घंटे के लिए आप मैथमेटिक्स प्रैक्टिस कर लोगे। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस हो जाएगा उसके बाद 2 आवर्स का एक कंटिन्यूअस स्टडी सेशन। फ्रॉम 8:30 to 10:30 यू नीड टू प्रैक्टिस योर और यू नीड टू स्टडी योर पेपर फोर बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड नॉलेज। यह जो पेपर है इसके लिए एक दिन में 2 आवर्स का स्टडी सेशन रहेगा तो अच्छा होगा क्योंकि ये पूरा थियोरी सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट में, इस चैप्टर्स में, ये जो पेपर फोर है इसमें आपको याद करना पड़ेगा। 10:30 तक पढ़ने के बाद यू नीड टू हैव योर डिनर। फ्रॉम 10:30 to 11 यू नीड टू हैव योर डिनर एंड गो टू बेड बाय 11 PM सो दैट यू कैन एन्जॉय योर स्लीप, एन्जॉय योर बेड टाइम टिल 5 AM एंड ऑल्सो वेक अप द नेक्स्ट डे विथ फुल एनर्जी। अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर लोगे तो पेपर वन के लिए 3 आवर्स का टाइम निकल जाएगा, पेपर टू के लिए 3 आवर्स का टाइम निकल जाएगा, पेपर थ्री के लिए भी 3 आवर्स का टाइम निकल जाएगा। अगर आप चाहते हो पेपर फोर के लिए भी आप 3 आवर्स का टाइम निकाल पाओगे। ये इस जो शेड्यूल है इसके वजह से या फिर इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग पेपर टू के लिए 2 आवर्स अलॉटेड है। मेरा मानना है जब मैं प्रिपेयर कर रहा था सीए फाउंडेशन के लिए, मेरा 2 आवर्स का प्रिपरेशन से मेरा जो पेपर फोर का कोटा है वो कंप्लीट हो जा रहा था, इसीलिए मैं 2 आवर्स का अज्यूम करके इस शेड्यूल को बनाया हूँ। तो अगर आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू दिस शेड्यूल 11 आवर्स का आपका स्टडी पीरियड या फिर स्टडी सेशन रहेगा। 11 आवर्स बहुत होता है और अगर आप इसी तरीके से प्रोडक्टिविटी मेंटेन करते रहोगे आपका सिलेबस भी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो इस शेड्यूल के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू दिस शेड्यूल 6 आवर्स का स्लीप टाइम, 1 आवर का पावर नैप, 20 मिनट्स करके पावर नैप 1 आवर का हो जाएगा। उसका मतलब एक दिन में 24 आवर्स में आपका स्लीपिंग टाइम या फिर रेस्टिंग का टाइम 7 आवर्स होगा ताकि आपका ब्रेन भी रेस्ट कर सके और जो स्टडी आप कर रहे हो, जो जितना भी आप मेमोराइज कर रहे हो उसे आपका ब्रेन रिकॉल या फिर रिटेन कर सके। फोन के लिए भी 2 आवर्स का टाइम निकल गया। उसके बाद फ्रेश होने के लिए और खाने पीने के लिए ईटिंग टाइम एंड फ्रेशनिंग अप टाइम 3 आवर्स एंड स्टडी पीरियड फॉर 11 आवर्स एंड द रेस्ट फॉर अदर एक्टिविटीज। नेक्स्ट द शेड्यूल फॉर द नाइट पर्सन। अगर आप एक नाइट पर्सन हो, आपको रात में पढ़ना अच्छा लगता है, तब आप रात को यूज करके, यूजिंग योर नाइट्स यू कैन स्टडी फॉर योर एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो क्रैक योर सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन।
So let's see the schedule. The first, you need to wake up at 11 a.m. अगर आप रात में पढ़ोगे, if you are studying at night time, you need to sleep in the morning or in the evening. In this schedule, according to this schedule I have prepared, you are sleeping during the morning time or during the daytime. 11 a.m. you are going to wake up. From 11:20 to 11:30 you are going to rest yourself or calm yourself. Then from 11:30 to 1:30 you are having your freshening up time, and also you are having your brunch. Brunch means the breakfast plus lunch, so that you are not hungry anymore. From 1:30 to 4:30 you need to study your paper 1. पेपर वन, जैसे मैं पिछले बार जो शेड्यूल है उसमें भी मैं कहा था कि पेपर वन सीए फाउंडेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. हर एक सीए स्टूडेंट के लिए पेपर वन, दैट इज द अकाउंट्स, इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन. सो पेपर वन, नींद से उठने के बाद ही आपको पेपर वन कंप्लीट कर लेना है. उसके बाद 4:30 टू 6:30 आपको फोन या फिर सोशल मीडिया चलाना हो तो आप चला सकते हो, 2 hours का मिल जाएगा आपका टाइम. 6:30 टू 6:40 आप इवनिंग टी एंड स्नैक्स के लिए, मतलब क्या है, 4:30 टू 6:40 आपका रेस्टिंग टाइम रहेगा, जब इस टाइम में आप फोन थोड़ा देख सकते हो, सोशल मीडिया देख सकते हो, आप स्नैक्स ले सकते हो. 6:40 से 7 PM आप एक पावर नैप ले लोगे. 20 मिनट्स का पावर नैप आपको रिचार्ज कर देगा और आपका जो नेक्स्ट स्टडी शेड्यूल है उसके लिए आपको प्रिपेयर कर देगा. नेक्स्ट 7 PM से 8 PM तक एक घंटे के लिए आप पेपर 2 यानी कि बिजनेस लॉज पढ़ोगे, बिजनेस लॉज के लिए एक घंटा. उसके बाद हाफ एन आवर के लिए पेपर 3, दैट इज बिजनेस मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स करने से आपका पेपर 2 का जो बोर्डम है वो भी चला जाएगा और आप फ्रेश फील करोगे, इसीलिए हाफ एन आवर के लिए पेपर 3, दैट इज द मैथमेटिक्स. आफ्टर दैट फ्रॉम 8:30 PM टू 9:30 PM 1 hour के लिए पेपर 2, दैट इज बिजनेस लॉज. बिजनेस लॉज आप फिर से एक घंटे के लिए कंप्लीट करोगे. उसके बाद 9:30 टू 10 PM आप पेपर 3, दैट इज मैथमेटिक्स करोगे, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करोगे हाफ एन आवर के लिए. हो गया आपका 10 PM तक. उसके बाद 10 PM से 11 PM आप एक 20 मिनट्स का पावर नैप ले लोगे ताकि आप फ्रेश फील करो. आपका डिनर भी उस टाइम पे कर लोगे 10 PM से 11 PM के अंदर. फ्रॉम 11 PM टू 12 AM आप एक घंटे के लिए अगेन बिजनेस लॉज पढ़ोगे ताकि आपका 3 hours का जो बिजनेस लॉज का सेशन है वो कंप्लीट हो पाए. बिजनेस लॉज एक थियोरी पेपर है और एक सब्जेक्टिव पेपर है, इसीलिए पेपर 2 में आपका राइटिंग स्किल भी होना चाहिए और आपका मेमोराइजिंग पावर भी होना चाहिए ताकि आप जो कीवर्ड्स है उसे मेमोराइज या फिर रिमेम्बर कर पाओ. याद रखने के लिए जो कीवर्ड्स है आपको पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए 11 PM से 12 AM पेपर 2. फ्रॉम 12 AM टू 2 AM यू नीड टू डू और प्रैक्टिस योर पेपर 3, मैथमेटिक्स, बिजनेस रीजनिंग, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स आप कर लोगे फ्रॉम 12 AM टू 2 AM 2 hours के लिए. उसके बाद फ्रॉम 2 AM टू 2:30 यू आर गोइंग टू टेक 20 मिनट्स पावर नैप एंड फ्रेशन अप सो दैट यू आर रेडी फॉर योर नेक्स्ट स्टडी सेशन. फ्रॉम 2:30 AM टू 4:30 AM यू आर गोइंग टू स्टडी योर पेपर 4. 2 hours के लिए आपका पेपर 4, दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड नॉलेज का जो पेपर है आप 2 hours के लिए स्टडी करोगे ताकि वो भी कवर हो जाए आपके एक दिन के शेड्यूल में. फ्रॉम 4:30 टू 5 AM आप थोड़ा स्नैक्स ले लोगे और रिलैक्स करोगे ताकि आपका ब्रेन काम हो जाए और आप जो जितना भी स्टडी या फिर जितना भी मेमोराइज किए हो एक दिन में वो आपके मेमोरी में स्टोर हो पाए. After that, 5 AM to 11 AM आपका स्लीप टाइम होगा अगर आप इस टेबल में करें, अगर आप इस शेड्यूल में कंफर्टेबल हो तभी. इस शेड्यूल के भी
अकॉर्डिंग टू दिस शेड्यूल ऑल्सो पेपर वन के लिए 3 आवर्स, पेपर टू के लिए 3 आवर्स, पेपर थ्री के लिए 3 आवर्स एंड पेपर फोर के लिए 2 आवर्स. अगर आप एडजस्ट कर सकते हो पेपर फोर के लिए भी 3 आवर्स का टाइम निकल जाएगा. यहाँ पे भी 11 आवर्स का स्टडी टाइम निकल गया. उसके बाद इस शेड्यूल के मुताबिक 6 आवर्स का स्लीप, 1 आवर पावर नैप, फोन के लिए 2 आवर्स, ईटिंग एंड फ्रेशनिंग अप 3 आवर्स एंड स्टडी पीरियड 11 आवर्स एंड द रेस्ट फॉर अदर एक्टिविटीज. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. एंड ऑल्सो आई एम अटैचिंग द लिंक ऑफ माई टेलीग्राम चैनल टू द कमेंट सेक्शन, द पिंड कमेंट. पिंड कमेंट पे मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा. उस चैनल में जितना भी शेड्यूल है, जितना भी सिलेबस कवर करने का शेड्यूल है, वो भी अटैच रहेगा ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ या फिर रेफर कर पाओ. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव दिस वीडियो अ लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज. थैंक यू एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग. थैंक यू.